गाली देता है, माँ बेटी बहन बेटी सबको गाली देता है। नवल किशोर उसने कल संतों को बोरा बुला कहा है, फ्री का खाने वाला नीच शब्दों का यूज किया है। यहाँ से सब लोग निकल जाइए, चैलेंज दे देते हैं कि 10 बजे सुबह निकलना पड़ेगा आपको, किसी को मारने को कहते हैं, किसी को गालियां देते हैं। काफी समय से विवादों में रहने वाली सोहना की छोटी हनुमान बगीची में एक बार फिर मंदिर के अंदर नया विवाद देखने को मिला है। दरअसल अब की बार जो विवाद देखने को मिला है वह रात के समय मंदिर परिसर के गेट को तोड़ने का है। बता दें कि शुक्रवार की रात को मंदिर का गेट टूटा हुआ मिला था, जिस गेट को तोड़ने का आरोप मंदिर के महंत नवल किशोर ने मंदिर समिति के सदस्यों पर लगाया था और इसकी शिकायत सोहना सिटी थाना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद मामला और गर्मा गया और मंदिर समिति के सदस्यों ने मंदिर परिसर के अंदर रहने वाले अस्थाई संतों के साथ मिलकर सिटी पुलिस थाने का घेराव किया और हनुमान मंदिर के महंत नवल किशोर पर संतों का अपमान करने व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत देते हुए महंत नवल किशोर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। जो हमारा एक बगीची में एक रहता है नवल किशोर, उसने कल संतों को बोरा बुला कहा है, फ्री का खाने वाला नीच शब्दों का यूज किया है, जो कि संतों का अपमान है, उसको भिकमंगा जैसे शब्दों को यूज करा है। सारे संतों ने अपने अपने अखाड़ों में सूचना दे दी है, जल्दी पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाकर पूरे देश के हमारे देश के संत इसका विरोध करेंगे और हम जल्दी से प्रशासन से ये भी मांग करने गए हैं कि उस संत को गिरफ्तार किया जाए जो इन संतों के साथ अहित करता है, इनके चूल्हों में लात मारता है, इनको गालियां देता है, बुरा भला कहता है। ऐसा हमारा एक सोहना बगीची में एक महाराज है, जो महाराज का नाम लेके ढकोसले वास रहता है, ढोंगी है और जिसने पाखंड फैला के इस शहर को खराब कर रखा है, इस माहौल को खराब कर रखा है। मैं आपके माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि सारे संतों की आवाज को सुनते हुए उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाए और मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनके कार्रवाई करी जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ से सब लोग निकल जाइए, चैलेंज दे देते हैं कि 10 बजे सुबह निकलना पड़ेगा आपको, किसी को मारने को कहते हैं, किसी को गालियाँ देते हैं, शब्द अशब्द अपमानित करते हैं। खिलाने के लिए टुकड़े हम लोग साधु संत सोना नगरी का खा रहे हैं सब, लेकिन गालियां किसी और की सह रहे हैं भगवान। हमारा निवेदन ये है, आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोहना हनुमान बगीची व सोहना सिटी पुलिस थाने की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हनुमान बगीची समिति के सदस्यों के साथ यहां पर ठहरे अस्थाई संत जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुलिस थाने के लिए कूच कर रहे हैं और पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस के सामने हनुमान बगीची के महंत नवल किशोर के ऊपर गाली गलौज करने व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ शिकायत दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले महंत नवल किशोर भी समिति सदस्य दीपक गर्ग व कई लोगों के खिलाफ मंदिर का गेट तोड़ने की शिकायत पुलिस को शुक्रवार को ही दे चुके हैं। अगर मंदिर महंत की माने तो समिति के सदस्य जबरन वहां पर बने कमरों के तालों को तोड़कर वहां पर नए नए लोगों को लाकर के ठहरा रही हैं और जबरन मंदिर संपत्ति को हड़प रही है। योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने क्या किया, मेरे को कल रात पता लगी, हमारे पंडित जी ने बताया, मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रखा है कि ये आपका गेट तोड़ेंगे बाहर वाला और 2-3 दिन के बाद ये आपके घर में घुस के भी सारा सामान निकाल के ले जाएंगे। तो अब जब गेट तोड़ने की बात आएगी तो रात को ही मेरी धर्मपत्नी जो सीमा शर्मा एडवोकेट भी हैं, उन्होंने फ़ोन करके सचो साहब को बोला ऐसी ऐसी बात हो गई, जिन्हें फ़ोन किया, रात को हमने वीडियो मंगा ली थी, गेट मेरा सुरक्षित लगा हुआ था, उसकी वीडियो मेरे पास है 10 बजे के करीब। उसके बाद रात हो जाती है, पंडित जी अपना मंदिर में बंद करके अपना कमरे में सोने चले गए, सुबह पंडित जी नहाने आते हैं, गेट खोलने आते हैं तो 5 बजे जैसे गेट खोलने आए तो एक टूटा हुआ था, यहाँ पर ये था ही नहीं दरवाज़ा, टूटा हुआ के दरवाज़ा ही नहीं था। तो पंडित जी ने फिर उसकी वीडियो बना के और फिर हमें करीब करीब उन्होंने मेरे को फ़ोन करा 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि हम सोए रहते हैं रात के, उन्होंने फ़ोन किया और हम इधर आके 112 पे नंबर करके 112 पे कॉल करके पुलिस को हमने इसकी मासी के बल पर इन्होंने हमें यहाँ से पीछे हमारा एक कमरा है वो खाली करा लिया, हमारी बेसमेंट में से सामान निकाल लिया। तीसरा अभी परसों इन्होंने जिस में पंडित जी सोते हैं वो पंडित जी वाला जो कमरा है खाली करके उसके अंदर ये भीख मांगने वाले साधु के रूप में जो रहते हैं उनको वहाँ घुसेड़ के बैठा दिया। आज इन्होंने ये कर दिया, हमारा सामान तीनों कमरों से गायब हुआ है, अब चौथी बार यहाँ से भी गायब हुआ है। तो इन्हीं के सुरक्षा समिति के जो मेंबर है विक्की हो गया, दीपक गर्ग हो गया और ये पुटूस बिहारी सबसे ज्यादा गंदा आदमी है जी, उल्टी सीधी, और पिंकू चौधरी महेंद्र चौधरी का लड़का पिंकू चौधरी, उसने मेरी मिसिस को अश्लील शब्द किए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, भाभी जी की मेरी MLC कटी हुई है, गलत दुर्व्यवहार किया, कुछ नहीं हुआ। बता दें कि
सोहना की छोटी हनुमान बगीची का विवाद काफी समय से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान मंदिर के महंत नवल किशोर और हनुमान बगीची समिति सदस्यों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद बना रहता है। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।